नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं स्वाट टीम व कोतवाली पुलिस को मिली सफलता की। दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए व चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के दो साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल व चोरी किया गया अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस लाइन की मनोरंजन सभागार में पुलिस अभिरक्षा में मौजूद है दोनों अभियुक्त अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं। जनपद की स्वाट टीम व कोतवाली पुलिस ने इनको मुखबिर की सूचना पर नकला चूला रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है। ताश में दोनों अभियुक्तों ने अपने नाम रवि कुमार पुत्र लाखन सिंह, कुलदीप पुत्र चंद्र प्रकाश निवासी गाना ग्राम कैरावली थाना करैल बताए हैं। पुलिस पूछताछ में इन दोनों चोरों ने बताया है कि ये अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद की विभिन्न शहरी क्षेत्रों दिल्ली हरियाणा एवं आसपास के जनपदों से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और कई घटनाओं को इन्होंने अंजाम भी दिया है। इन्होंने यह भी बताया है कि ये लोग शादी के बहाने सामान खरीदने के लिए दुकान में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी करते थे, जिन्हें बेचकर अपने शौक पूरे करते थे। चोरी करने के बाद यह लोग नोएडा जाकर सब्जी फलों का ठेला लगाकर रेकी किया करते थे। रेकी करने के बाद घरों को चयनित कर घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए दोनों साथियों ने कई घटनाओं का खुलासा किया है और दोनों ही साथियों का काफी लंबे समय से आपराधिक इतिहास भी है। पूरे नाबार्ड की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। संयुक्त प्रयास से सफलता मिली है, किस तरीके की सफलता और क्या गिरफ्तारी है, क्या बरामद की है? आप जनपद में कुछ मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं हो रही थी, साथ में अन्य भी चोरी के मामले प्रकाश में आए थे, जिसमें कैमरे लैपटॉप इस तरह की चीज़ें जो दुकान शॉप से चोरी की शिकायतें मिली हुई थी। तो इसमें साइबर सेल इंचार्ज जो विक्रम और साथ में कोतवाली की पुलिस ज्वाइंट इसमें ऑपरेशन चलाया गया और इसमें चोरों का गिरोह जो कि एक रवि कुमार है, दूसरा कुलदीप है, दोनों ये करहल क्षेत्र के रहने वाले हैं सब, और इनको अरेस्ट किया गया है। तो इनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल है जिस पर अभियोग दर्ज है और साथ में 2 चोरी के हाई क्वालिटी के कैमरे हैं, 4 हार्ड डिस्क है, लैपटॉप है और कुछ अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जिस आधार पर इनको और सभी जो है चूँकि इसमें मुकदमे दर्ज हैं तो उस आधार पर इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और शीघ्र इन पर अन्य अधिनियमों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पहले से भी इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हाँ, एक लंबा आपराधिक इतिहास है और भी तलाश की जा रही है। आसपास के जनपदों को भी सूचना दी जा रही है कि वो इनसे पूछताछ, फिलहाल तो इनको जेल भेजा जा रहा है लेकिन पूछताछ कर सकते हैं, जिससे कि उन संभव है कि उनके मुकदमे खुले।